किले से ये कहा था कि कुछ बातें हैं जहां भ्रष्टाचार घर कर गया है। गरीब व्यक्ति जो छोटी छोटी नौकरी के लिए जाता है, किसी की सिफारिश के लिए नहीं पता नहीं क्या क्या उसको कष्ट झेलने पड़ते हैं, और दलालों की टोली कैसे कैसे उनसे रुपये हड़प लेती है। नौकरी मिले तो भी रुपये जाते हैं, नौकरी न मिले तो भी रुपये जाते हैं, सारी खबरें हम सुनते थे। और उसी में से मेरे मन में एक विचार आया था कि छोटी छोटी नौकरियों के लिए इंटरव्यू की क्या जरूरत है। मैंने तो कभी सुना नहीं है कि दुनिया में कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो एक मिनट दो मिनट के इंटरव्यू में किसी व्यक्ति को पूरी तरह जांच लेता है। और इसी विचार से मैंने घोषणा की थी कि क्यों न हम ये छोटी पायरी की नौकरियां हैं वहां पर इंटरव्यू की परंपरा खत्म करें। मेरे प्यारे युवा मित्रों, मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं कि सरकार ने सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली और केंद्र सरकार के ग्रुप डी, ग्रुप सी और ग्रुप बी के नॉन गैजेटेड पदों में अब भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। 1 जनवरी 2016 ये लागू हो जाएगा। देश के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा प्रणाम। आपने अभी मन की बात में बताया कि आपने 15 अगस्त को लाल किले से एक घोषणा की थी। उस घोषणा में आपने आपके मन के विचार को बताया कि किस तरह से ग्रुप बी, नॉन गजेटेड ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्टों में इंटरव्यू डिसकंटिन्यू कर दिए जाने चाहिए। और आपने बड़े गर्व के साथ बताया कि 1 जनवरी 2016 से इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, यानी कि केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ने इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली है। और अब जो केंद्र सरकार के अधीन डिपार्टमेंट हैं उनमें इंटरव्यू नहीं होगा, आपने बड़े गर्व के साथ बताया। लेकिन मैं बड़े शर्म के साथ बता रहा हूँ कि IIT, NIT जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट जो कि MHRD के अंदर आते हैं, उन लोगों ने आपके इस मन के विचार को, इस एफर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि हम हमारे जो ऑटोनोमस रूल्स हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से हमें कोई मतलब ही नहीं है। आगे आपने वीडियो में बताया कि दुनिया में ऐसा कोई मनोवैज्ञानिक नहीं जो एक या दो मिनट के शॉर्ट इंटरव्यू में सामने वाले की पूरी जानकारी बता सके कि वो इस जॉब के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं। लेकिन मैं वापस शर्म के साथ बता रहा हूँ कि IIT, NIT जैसे इंस्टीट्यूट ने जो कि अपने देश में ही विद्यमान है, एक या दो मिनट के शॉर्ट इंटरव्यू में वो पूरी जानकारी बता देते हैं कि ये बंदा, ये जो कॉम्पिटिटर है, ये इस पोस्ट के लिए डिजर्विंग है या नहीं। अब आप बताओ, मैं एक देश का आम नागरिक जो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जाता हूँ, या मेरी तरह और जो लोग हैं वो आपकी बात को सर्वोपरि माने या आपके विरोध में जो कार्य कर रहे हैं IIT, NIT जैसे इंस्टीट्यूट, उनकी बात को सर्वोपरि माने। आपके इस प्रत्युत्तर का मुझे इंतजार रहेगा कि कुछ ना कुछ तो आप शायद आपके विरोध में जो कार्य किया जा रहा है देश में उसके ऊपर बोलेंगे। हम तो ये जान मान कर चल रहे हैं कि पूरे विश्व पटल में आपकी बात सुनी जाती है, लेकिन बड़े शर्म के साथ बता रहा हूँ आपकी विचारों को अपने देश में ही तवज्जो नहीं दी जा रही। धन्यवाद।